हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वेलकम अगेन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन में एल्किन सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे। इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने एल्किन मेकिंग की दोस्तों बात की थी, जहाँ पे हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी फ्रॉम दी एनसीईआरटी। एट द सेम टाइम देर आर सम एडिशनल रिएक्शन देन दी एनसीईआरटी। सो उसमें से एनसीईआरटी दोस्तों आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूजफुल हो और कॉम्पिटिटिव, और जो एडिशनल थी दैट एडिशनल रिएक्शंस आर यूजफुल फॉर दी ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ टॉपिक दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज से पर्टिकुलर ये साल के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन राइटिंग में नहीं आएगा, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी को बिकॉज ऑफ COVID-19 दोस्तों एनसीईआरटी सिलेबस से कट ऑफ कर दिया, पर्टिकुलर फॉर ईयर 2021 में भी एमसीक्यू कंडीशन यहाँ से हो सकती है। सो डायरेक्टली दोस्तों हम एनसीईआरटी को ही डिस्कशन करेंगे, दो देर इज नो नीड फॉर द रीडिंग राइटिंग एग्जाम, ओनली एमसीक्यू पॉसिबल, पर कॉम्पिटिटिव में ही, बोर्ड एग्जाम में नहीं दोस्तों। ओके, सो एल्किन्स एज अ क्लास रिमेंबर रिसेम्बल एल्केन्स, और कुछ नहीं है दोस्तों, रिसेम्बल एल्केन्स है इन फिजिकल प्रॉपर्टी। सो जो एल्केन सीरीज में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ती हमको दिखेगी। एक्सेप्ट इन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म डिफरेंस इन पोलर नेचर, ये दोस्तों पोलर नेचर वाला पॉइंट आपको मे बी अभी दिमाग में ना आए, बिकॉज हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बाकी रखा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम इन दी फिजिकल क्लास डिस्कशन करने वाले, सो तब तक आपको याद रखना है डिफरेंस इन पोलर नेचर। द फर्स्ट थ्री नंबर आर गैसेस, आई मीन टू से इथिन, प्रोपिन एंड दी ब्यूटिन। एल्केन में दोस्तों हमने मीथेन से स्टार्ट किया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द मीथेन, मीथेन से स्टार्ट नहीं हो सकता। टू बी एल्किन एटलीस्ट टू कार्बन्स नीडेड, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इथिन। सो इथिन, प्रोपेन, ब्यूटिन, फर्स्ट थ्री आर इन द गैस फॉर्म। द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड, उसके अलावा जो उसके बाद के जो 14 है दे आर इन द लिक्विड फॉर्म। देन अदर हायर वंस आर सॉलिड। उसके बाद दोस्तों अभी बात है आफ्टर द फिजिकल स्टेट, नाउ इट्स ऑल अबाउट द स्मेल एंड द कलर। सो इथिन इज अ कलरलेस गैस विथ अ फेंट स्वीट स्मेल, ये कलरलेस रहेगा बट इसकी स्मेल होगी दोस्तों आप आइडेंटिकल स्मेल, फेंट स्वीट होगी। ओके, देन ऑल अदर एल्केन्स आर कलरलेस एंड द ऑडरलेस, ये इथिन के अलावा और कोई गैस की दोस्तों कोई ऐसे आइडेंटिकल स्मेल नहीं है, सो यू कैन आइडेंटिफाई। Okay, now it's all about solubility. So insoluble in water but fairly soluble in non-polar solvent like benzene, petroleum ether, etc. So water non-soluble reason kya hai dosto? Water solubility ke liye polarity chahiye, like this H plus and OH minus. So yahan pe polarity hai, but wo polarity yahan pe baat hui na polar nature. Polarity hai but not in terms of H2O. Jaise H2O ko chahiye aise nahi. सो दैट पोलर लाइक्स पोलर, नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर, ये पोलर है सो पोलर कंपोनेंट सोल्यूबल हो सकते हैं, ये नॉन पोलर है सो मेजोरिटी केस में लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम इथर, एसीटोन, इस तरह के नॉन पोलर कंपोनेंट में दोस्तों ये सोल्यूबल होगा। देन आफ्टर द सोल्यूबिलिटी दे शो अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद द इंक्रीजिंग इन साइज, आई मीन टू से सपोज यू आर गोइंग इथिन टू प्रोपिन, प्रोपिन टू ब्यूटिन, ब्यूटिन टू पेंटिन, पेंटिन टू हेक्सीन, हेक्सीन टू हेप्टीन, ऑक्टेन, नॉन इन डेकिन, जैसे दोस्तों नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए, फैमिली बड़ी होगी, उसके साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, सो एवरी CH2 ग्रुप एडेड इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाय नियर अबाउट 20 to 30 केल्विन, मतलब दोस्तों इथिन, प्रोपिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, ब्यूटिन, पेंटिन में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा दैट इज नियर अबाउट 20 to 30 केल्विन। अलाइक एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड, जो आइसोमेरिक ब्रांच है उसकी कंपैरिजन में स्ट्रेट में ज्यादा होगा, ये हमने पढ़ा था, ये नॉर्मल एल्किन स्ट्रेट लाइन एल्किन और यहाँ पे ब्रांच्ड एल्किन है, सो यहाँ पे दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन द केस ऑफ आइसोमर्स, क्लियर। सो ब्रांच आइसोमर की कंपेरिजन में स्ट्रेट चेन आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दैट इज ड्यू टू इंटरमोलेक्यूलर डिस्टेंस। ओके, सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट याद रखनी है, नो नीड फॉर द बोर्ड एग्जाम, नो नीड फॉर द राइटिंग एग्जाम। सर या रिपीट एंड रिपीट बोर्ड एग्जाम यूज वर्ड यूज करो, बोर्ड एग्जाम मीन्स NCERT एग्जाम, राइटिंग एग्जाम फॉर द 11th साइंस, उसके लिए दोस्तों इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, बट यस इफ यू टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज,
तो केमिकल प्रॉपर्टी दोस्तों आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगी, और यहाँ से राइटिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी रिएक्टिविटी ऑफ द एल्केन इज ड्यू टू द पाई बॉन्ड ऑफ द एल्केन। एल्केन में दोस्तों कार्बन कार्बन ड्यूअल बॉन्ड होता है, वन ऑफ देम इज पाई और अदर वन इज सिग्मा। इन कंपैरिजन टू पाई सिग्मा इज वीकर, जो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। सो मेजर केस में दोस्तों इसकी कौन सी रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी, वी कैन सी एडिशन रिएक्शन। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे कुछ ना कुछ हम ऐड कर सकते हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं, आई रिपीट, इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से एल्केन आर रिच सोर्स ऑफ लूजली हैंड पाई इलेक्ट्रॉन। सो पाई बॉन्ड्स आर देयर ड्यू टू व्हिच दे शो एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ दैट पाई बॉन्ड। हमको मालूम है ये पाई बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड अगर दोस्तों इजीली ब्रेक होगा, सो आप मेजर केस में इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड एनीथिंग। सो एडिशनल रिएक्शन यहाँ पे इजीली हो सकती है। ओके, एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड ऑन दी कार्बन कार्बन डाइपोल बॉन्ड फ्रॉम दी एडिशन प्रोडक्ट। सम रिएजेंट ऑल्सो एड बाई दी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये दोनों बात होगी दोस्तों, कैटायनिक एडिशन एंड द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दोनों की बात करेंगे। देयर आर केस व्हेन अंडर स्पेशल कंडीशंस एल्केन्स आर अंडर ग्रो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके लिए जो सबसे बेटर वे है परोक्साइड। सो ये फ्री रेडिकल एडिशन कब होगा और एनायनिक या फिर कैटायनिक कब होगा, ये आज ही के लेक्चर में दोस्तों एक एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड द ओजोनोलिसिस रिएक्शंस आर आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन एल्किन्स। ये भी हो सकता है दोस्तों। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एल्किन इज गिवन बिलो। सो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, देयर इज नो नीड टू राइट इट डाउन द सीक्वेंस, बट यस इन द केमिकल प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये दोस्तों आपको राइटिंग में पता होना चाहिए। एक्चुअली ठीक से देखो, ये पॉइंट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहाँ पे? इन दी मेकिंग ऑफ एल्केन। सो एल्केन्स एड अप वन मोलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्केन्स। सो हमने दोस्तों एक रिएक्शन पढ़ी थी मेकिंग ऑफ द एल्केन। सपोज वी हैव इथिन CH2CH2, इफ यू वॉन्ट टू मेक इथेन, सो वी हैव टू एड H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम। सो दैट क्या होगा दोस्तों, द पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक एंड द प्रोडक्ट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। टू फुलफिल द वैलेंसी दोस्तों क्या होगा, ईच कार्बन विल गेट वन हाइड्रोजन फ्रॉम द H2, सो फाइनली यू विल गेट इथिन, सॉरी इथेन, आप इथेन बना सकते हो। सिमिलरली सपोज हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरह का कंपोनेंट है CH3CH ड्यूअल बॉन्ड CH2, विच इज क्या है दोस्तों, ये सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है दोस्तों, दिस इज प्रोपिन। सो फ्रॉम दी प्रोपिन वी विल गेट CH3CH2CH3, फ्रॉम दी प्रोपिन वी कैन मेक प्रोपेन। सो ये ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, कहाँ पे आया है, इन दी मेकिंग और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, इसमें हम पढ़ चुके हैं। सो वहीं से आपको एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर देने हैं। क्लियर? एडिशन ऑफ हैलोजन्स। ओके, फॉर द एडिशन ऑफ हैलोजन दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, आई रिपीट, फॉर द एडिशन ऑफ हैलोजन दो अलग अलग रिएक्शन पॉसिबल है। कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, सपोज ये पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हम H2 लेते हैं, यानी कि XNX। सो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और आफ्टर द ब्रेकिंग इन पाई बॉन्ड हमको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये सिंगल बनेगा और दोनों को सिमिलर हैलोजन मिलेंगे, सो दैट वी कैन मेक विसिनल डाइहैलाइड। बट सेकंड कंडीशन, सपोज दोस्तों हमारे पास इन द प्लेस ऑफ XNX, आई मीन टू से H2, अगर हमारे पास HX है, इन दैट केस ये प्रोडक्ट कुछ अलग होगी दोस्तों, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हो सकती है। यह पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक को मिलेगा H, सेकंड को X। सो हाइड्रोहैलोजेनिक एसिड एंड द हैलोजन दोनों से एडिशन हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल, इथिन विद द Br2 इन इन द CCl4। सो Br2 दोस्तों क्या करेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों कार्बन के साथ एक एक Br अटैच होगा, सो फाइनली अवर प्रोडक्ट इज लाइक दिस। इसको हम क्या कह सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट दिस इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन, सिंपल।
सपोज हियर वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज प्रोपिन, आई रिपीट, ये क्या है दोस्तों और कुछ नहीं है, दिस इज प्रोपिन। ClNCl दोनों इलेक्ट्रॉन सॉरी दोनों कार्बन विद दी पाई बॉन्ड ड्यूअल बॉन्ड आई मीन टू से पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ दोनों के साथ एक एक Cl अटैच होगा एंड फाइनली अवर प्रोडक्ट इज CH3CH2CH3CHCl CH2Cl। सो दिस इज 1, 2 एंड 3, सो 1,2-dichloropropane, क्लियर। सो एडिशन ऑफ द हैलोजन, ये दोस्तों हुई सिमिलर रिएक्शन, यहाँ पे CCl4 आपको लिखना है, याद रखना। ये रिएक्शन में हमने क्या किया, रिपीट, इन दिस रिएक्शन यहाँ पे दोनों हैलोजन ऐड किए, सो दोनों अटैच होने वाले आइटम इक्वल थे। आई मीन टू से अगर दोस्तों किसी को कंफ्यूजन है, सपोज यहाँ पे Cl2 है, इट मीन ClNCl, और किसी को ये कंफ्यूजन है सर यहाँ से क्लोरीन ये कार्बन को मिलेगा और ये क्लोरीन ये कार्बन को मिलेगा, या सेकंड ऑप्शन है सर नहीं ये तो ये सेकंड वाले को मिलेगा और ये आगे वाले को मिलेगा, इन दी बोथ केस अवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस। सो कौन सा एटम यहाँ पे दोनों में से कौन से कार्बन के साथ जा रहा है विद द ड्यूअल बॉन्ड, दैट डजंट मैटर, योर प्रोडक्ट इज कॉमन। यस देयर विल बी सम डिफरेंट इफ हियर इन प्रेजेंस ऑफ H2 and in the absence of H2 we will get react with the HX, okay, so that is the addition of hydrogen halides. I repeat, that is the addition of hydrogen halide. Hydrogen halide also known as a hydrohalogenic acid like HCl, HBr, HI add up to the alkene to form alkyl halides. The order of the reactivity of the hydrogen halide is HI, HBr and HCl. What is the reason behind this order? In the HI, the bond breaking is easy in comparison to HBr. Also, in comparison to HBr, bond breaking is easy in the HCl. So, like addition of halogen to alkenes, I repeat, like addition of halogen to alkenes, alkenes, I repeat, halogen to alkenes, addition of hydrogen halide is also example of electrophilic addition reaction. So, there is no doubt this is the addition reaction. Which types of addition reaction? Electrophilic addition reaction. Let us elucidate this is by the taking of addition of the HBr. We are going to understand this lecture with the example of HBr. But before that, we have to rememberize two types of alkene, which is symmetrical and the asymmetrical. So just remember which types of alkene are known as a symmetrical alkene. Yes, alkene with the और वी कैन से ड्यूअल बॉन्ड विद दी बोथ कॉमन चेन। अगर दोस्तों ये कार्बन के साथ दोनों चेन कॉमन इक्वल है देन दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन, एट द सेम टाइम विद दी ड्यूअल बॉन्ड दोनों साइड की चेन डिफरेंट है देन एसिमेट्रिकल एल्केन। सो हियर वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद दी सिमेट्रिकल एल्केन्स, आई रिपीट विद दी सिमेट्रिकल एल्केन। So we talking about addition reaction of the HBr to the symmetrical alkenes. Okay, if the symmetrical alkene is there, then addition with the which carbon doesn't matter. You can see, suppose this is the alkene, and we are going to add. This is R and this is R again, and this is H and H. Both carbon chain are equal. So, अगर दोस्तों यहाँ पे हम HX add करते हैं, then doesn't matter this hydrogen is going to attach with which carbon. In both the cases, your product is common. So, addition reactant of the reactant of HBr to symmetrical alkenes. A similar group attached to the double bond take place by electrophilic addition mechanism. Here you can see. This is CH2 dual bond CH2 HBr. Okay. So, dosto, suppose this hydrogen is going to attach with this carbon. This become CH3 and this become HBr, so CH2Br. So this is one bromoethane. No matter if this bromine is going to attach with this carbon and hydrogen is going to attach with this carbon. Again, in that case, that should be one bromoethane. The different thing is, उसको आप कुछ इस तरह से लिखते हैं CH3CH2Br. But at the end, product is common. So common product is there. Now CH3CH dual bond CH3. This is but one in, sorry, but two in. In the but two in, suppose hydrogen is going to attach with this carbon and bromine is going to attach with this carbon. So, in that case, dosto, iska nomenclature kya hoga? Yahan se naming karna padega. 1, 2, 3 and 4. This should be 2-bromobutane.
अपोजिट अगर दोस्तों ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है, देन 1, 2, 3 and 4 अगेन टू ब्रोमोब्यूटेन. सो इन बोथ द केस योर प्रोडक्ट इज टू ब्रोमोब्यूटेन. सो देर इज नॉट अ रॉकेट साइंस दोस्तों. अगर आप सिमेट्रिकल एल्किन के साथ एडिशन रिएक्शन कर रहे हो विद द एच बी आर, सो एकदम ईजी हो सकता है. बट फिर भी इन राइटिंग एग्जाम आपको एक रूल याद रखना है, आपको एक मैकेनिज्म याद रखनी है, एडिशन ऑफ द एच बी आर टू द अनसिमेट्रिकल एल्किन्स. ओके, सिमेट्रिकल में सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब अनसिमेट्रिकल की बात होगी तब आपको दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन होंगे. ये यू कैन सी, मैं पहले ही आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ. सपोज दिस इज CH3CH ड्यूअल बॉन्ड CH2 एंड वी आर गोइंग टू एड HX. अगर दोस्तों ये हेलोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे, इन दैट केस प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी. सो CH3CH2CH2X. अनदर ऑप्शन, इफ हेलोजन इज गोइंग टू अटैच ओवर हियर एंड हाइड्रोजन इज हियर, देन प्रोडक्ट इज शुड बी लाइक दिस CH3CHX CH3. सो इन बोथ दी केस प्रोडक्ट इज डिफर. सो वी हैव टू आइडियलाइज दैट इन विच रिएक्शन वी विल गेट primary halo alkane and which reaction we will get secondary, not about primary and secondary, but in which reaction we will get halogen with the suitable carbon. Okay, so maybe tertiary bhi ho sakta hai. So I'm not talking about 1 degree 2 degree or 3 degree, we just talking about suitable carbons. So addition reaction of the HBr unsymmetrical alkenes with the Markovnikov rule. So first of all, what is the Markovnikov rule, that we have to understand. Okay, here you can see again propane is given here. Reaction with the HBr, as per as the Markovnikov rule, the Br or higher electronegative group or element is going to attach with that carbon जिसके पास कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन of the dual bond. So here you can see 1, 2 and 3. So number 2 carbon containing less carbon, that is 1, and number 1 carbon containing 2 carbon. Okay, there is no role of the carbon number 3. We just talking about carbon of the alkene group. So from the alkene group, this carbon have a lower number of the hydrogen, so bromine is going to attach with him, and hydrogen is going to attach with the CH2. So your major product or main product is CH3CHBrCH3, that is 2-bromopropane. Okay, at the same time there is some possibility to bromine is going to attach with the CH2 and hydrogen is going to attach with the CH. In that case product should be like this, CH3CH2CH2Br1-bromopropane. But remember, this is your major product and this one is your minor product. That is the Markovnikov rule. So if we talking about the Markovnikov rule, Markovnikov rule is nothing but the with the electrophilic addition in the alkene, the higher electronegative group or element is going to attach with the carbon with the less hydrogen, and hydrogen is going to attach with the carbon jahan pe pehle se zyada hydrogen hai. So at that rule, this is your major product and this one is your minor product. So we can understand this concept with the mechanism also. So what is the Markovnikov rule, that is your homework. Markovnikov rule dosto kya ho sakta hai, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, जो जस्ट मेक द सेंटेंस फॉर द मार्कोनिकोव रूल. हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज गोइंग टू अटैच विद द कार्बन विद द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द मार्कोनिकोव रूल. सिमिलरली आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू लर्न एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो इससे एकदम अपोजिट होगा. हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एलिमेंट इज गोइंग टू अटैच विद द कार्बन विद द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, that will be anti Markovnikov rule that we will learn in the next session. Here you can see addition reactions of the reaction of the HBr the unsymmetrical alkane as per as Markovnikov rule with the mechanism. So with the hydrogen bromide, provide an electrophile like H plus should be electrophile with attached to the dual bond to the form carbocation as shown below. Here you can see, suppose there is H plus is from the HBr. HBr को दोस्तों थोड़ी देर हम अलग करें, then we can say यहाँ पे ये हो सकता है Br minus and the H plus, या फिर ये catalytic H plus को भी हम consider कर सकते हैं. So catalytic H plus को यहाँ से दोस्तों suppose करें ये pi bond break करके किसी एक carbon को donate करना है. Suppose ये pi bond number 1 carbon के साथ आते हैं, that number 1 carbon is going to donate the electron to this H plus. In that case, product is CH3CH plus CH3. Another option,
ये इसके पास आएगी सेकंड नंबर कार्बन के पास एंड डोनेट करेगा. इन दैट केस सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू प्लस. देयर यू कैन सी बोथ दी ऑप्शंस. अगर दोस्तों ये सेकंड नंबर कार्बन ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और डोनेट करेगा, देन हमको कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा इन विच 1 डिग्री कैटायन इज फॉर्म. एज वी नो फ्रॉम द जीओसी 1 डिग्री कैटायन इज लेस स्टेबल. बट जस्ट सपोज यहाँ पे ड्यूरिंग द पाई बॉन्ड ब्रेकिंग ये इलेक्ट्रॉन 1 नंबर कार्बन के पास आ रहे, इट मीन्स दिस सेकंड नंबर कार्बन विल बिकम कार्बोकेटायन और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एच प्लस को. सो ये सेकेंडरी कैटायन इज फॉर्म. सो इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री कैटायन सेकेंडरी कैटायन इज मोर स्टेबल एज पर एज दी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ये होगा दोस्तों ज्यादा स्टेबल और मोर स्टेबल. देन अनदर ऑप्शन, नाउ अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल लाइक बी आर टू दी कार्बोकेटाइन. ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा. सो प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस. The secondary carbocation B here we are talking about the B is more stable than the primary carbocation A. Therefore, former predominates because it's form as a faster state rate. Second one, the carbocation B is attacked by the Br minus nucleophile Br minus ion to form product as follow. Here you can see this Br minus is going to attack on the carbocation secondary carbocation and finally we will get the product like this. 2-bromopropane, which is our major product. Clear? So anti-Markovnikov rule, जहाँ पे दोस्तों इससे exact opposite work होगा, but that topic we are going to learn in the next session. This is all about Markovnikov rule. In the next session, we are going to learn about anti-Markovnikov rule. Clear? So anti-Markovnikov rule के लिए दोस्तों आपको एक ही sentence याद रखना है. Higher electronegative group or element is going to attach with the carbon. किस कौन से carbon के साथ, जहाँ पे पहले से ज़्यादा hydrogen है. But that we are going to learn in the next lecture. Till then, घर पे रहिए, safe रहिए, पढ़ते रहिए.